क्वेश्चन नंबर थ्री द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ डी एक्स वाई ऑर्बिटल अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस अलॉन्ग द वाई एक्सिस और दो ऑप्शन और दे रखे हैं तो सबसे पहले हमें अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बतानी है इलेक्ट्रॉन की तो हमें उसका आइडिया होना चाहिए कि डी एक्स वाई का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है स्ट्रक्चर नहीं बेसिकली कैसे अलाइन है वो एक्सिस के अलॉन्ग है ना तो मान लो ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस ठीक है तो डीएक्स वाई जो ऑर्बिटल होते हैं हमारे वो किधर होते हैं ये मान लो एक्स है एंड दिस इज आर वाई एक्सिस डीएक्स वाई की जो शेप होती है होती तो डबल डम्बल है बट ये एक्सिस के क्या होते हैं बीच में प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं राइट right? तो इन बिटवीन दी एक्सिस होते हैं तो इनकी लोब्स कहाँ आएंगी बीच में एक्सिस के है ना ठीक है तो अब बोल रहे हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी से मतलब क्या है एक ऑर्बिटल जो एक रीजन होता है वो थ्री स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है ऑर्बिटल बताते ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है है ना तो ऑर्बिटल है कहाँ क्या एक्स एक्सिस पे कोई ऑर्बिटल नजर आ रहा है नो मतलब ऑर्बिटल की लोब नजर आ रही है हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं सिमिलरली क्या वाई एक्सिस के लॉन्ग कोई लोब है ऑर्बिटल की नहीं जब लोब ही नहीं है ऑर्बिटल ही नहीं है तो वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी की भी बात नहीं करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा मैक्सिमम होगी बताओ